आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉ एमसी मिश्रा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामलों में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 24,000 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 191,32,00,000 से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्रोताओं, कोरोना, उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉ एमसी मिश्रा। डॉ मिश्रा नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार सिद्धार्थ जी, हमारा बहुत अच्छा है कार्यक्रम आप ये करते हैं और लेट्स चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, और श्रोताओं आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप डॉक्टर मिश्रा से हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342174 यानी 011 डेली का कोड 2342174 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews पर #AskAIR पर अपने सवाल पूछ भी कर सकते हैं। और डॉक्टर मिश्रा, सबसे पहले अपनी चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं, देश की जो वर्तमान स्थिति है कोविड की, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि थोड़ा सा केसेस में बढ़ोतरी हुई है और अभी, बट फिर भी स्थिति अंडर कंट्रोल है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल सिद्धार्थ जी, पिछले एक माह से जरूर संक्रमण में कुछ बढ़ोतरी देखी गई है, और लेकिन मैं ये कहूंगा अब एक माह पश्चात आज हम मई के मध्य में पहुंच गए हैं जी, और संक्रमण की दर 1% से नीचे बनी हुई है, और हमारे जो संक्रमित रोगियों की संख्या है वो 20,000 के आसपास चल रही है। कभी जैसे आपने कहा 24,000 कल थी, आज पिछले 24 घंटे से पहले और पिछले बीते 24 घंटों में आज सुबह 8 बजे तक के जो आंकड़े थे वो थोड़ा सा कम की तरफ थे, 18,000 कुछ थे जी, और मृत्यु दर भी बहुत कम हुई है। ओवरऑल मृत्यु दर तो 1.25% करीब 1.27% रही है हमारे पूरे पिछले 2 वर्षों की जी। और हमारे यहाँ जैसे आपने बताया टीकाकरण अभियान भी हमारा बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और लगभग 192 करोड़ डोजेस पे हम पहुंच रहे हैं जी। तो कुल मिला के परिस्थिति और स्थिति बहुत नियंत्रण में है, और लोगों को सिर्फ हम सभी भारत के जो निवासी हैं, हमारे नागरिक हैं, उनको यही कहना चाहेंगे कि अभी भी जैसे हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं जी, और जो हमारे पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक में, तो हम अभी भी मास्क लगा के ही बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और कहीं पे भी अगर जाते हैं शॉपिंग करने या और किसी समारोह में, तब भी मास्क लगा होना चाहिए, और केवल जब आप कुछ तरल पदार्थ पी रहे हैं या कुछ भोजन कर रहे हैं तब मास्क नीचे करके जितना कम देर के लिए करें और उसके बाद फिर मास्क लगा लें, तो उससे बचाव बना रहेगा। क्योंकि हम कुछ भी कहें, संक्रमण में कमी आई है और ये कमी हम मानते हैं कि शायद बनी रहेगी जी, और जिस प्रकार से चौथी वेव की बात हो रही थी वो ऐसा लगता नहीं है कि उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर लोग इसी तरह से बचाव करते रहेंगे जी, और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बचाव कर रहे हैं अभी भी, और उसी वजह से संक्रमण दर कम बनी हुई है, तो लोगों का ये सहयोग अगर हमें मिलता रहेगा, देशवासियों का, तो हम लोग इस महामारी से और अच्छे से निकल जाएंगे। काफी निकल गए हैं अधिकतर, और जो भी थोड़ा बहुत बचेगा, क्योंकि सिद्धार्थ जी वायरस
आ गया है, वायरस तो कहीं जाएगा नहीं जी, तो थोड़ा बहुत बढ़ता घटता जरूर अवश्य रहेगा ये, तो उसके लिए हम ये समझते हैं कि अगर हम लोग बचाव करेंगे तो जितनी संख्या आ रही है वो भी नहीं आएगी, और जैसे एक फ्लू की तरह ये संक्रमण बन गया है जी, जिसको हम कहते हैं एंडेमिक हो गया है, तो इसलिए कुछ न कुछ अब चूंकि जांच भी होती है तो पता लग जाता है, वरना पहले फ्लू होता था तो कोई जांच हम लोग नहीं करते थे तो कुछ इस तरह के आंकड़े एकत्रित नहीं होते थे जी, तो 20,000-24,000 140 करोड़ के देश में मैं समझता हूं कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं है, और सरकार का भी यही मानना है और हम सबका भी यही मानना है कि बचाव हम करते रहेंगे तो संक्रमण की दर नीचे रहेगी और फिर से हम उन परिस्थितियों में नहीं पहुंचेंगे जहां पिछले वर्ष अप्रैल मई में हम लोग थे जी, बिल्कुल, और यही सब पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हमारे हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, सभी का मानना यही है कि वो परिस्थिति अब संभवतः ईश्वर की कृपा रही तो नहीं बनेगी जी। बिल्कुल डॉक्टर मिश्रा, आपकी इन बातों से लोगों को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिली होगी, क्योंकि इस समय अगर हम देखें तो इकोनॉमी भी पूरी तरह से खुल चुकी है, सभी स्कूल व्यापारिक प्रतिष्ठान अगर हम जहां भी देखें तो हर जगह जिंदगी एक नॉर्मलसी की ओर बढ़ रही है, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि भारत में जो कोविड का जिस तरह से सामना किया है भारत ने, उसमें जन भागीदारी से जो जन आंदोलन हुआ है, लोगों की अपनी बहुत बड़ी भूमिका रही है, जिस तरह से लोगों ने आगे आकर सरकार का सहयोग किया है। चाहे अगर हम डॉक्टर मिश्रा अगर हम वैक्सीनेशन ड्राइव की भी बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जगह जगह लोगों ने तरह तरह से इसको लिया है, लेकिन हमारे देश में जिस तरीके से इतना स्मूथ जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बहुत जल्द हम लोग 200 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाले हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान होगा और दुनिया के सामने एक उदाहरण होगा कि भारत वैक्सीनेशन में इस तरह की ऐतिहासिक आंकड़े को भी छू सकता है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सिद्धार्थ जी, इसमें मैं समझता हूँ हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, दोनों ने बहुत सराहनीय कार्य किया है और समय रहते हम लोगों को टीकों की उपलब्धता कराई है, जो काम मैं समझता हूँ 2021 की जनवरी में जी असंभव लग रहा था, और किस तरह से लोग नकारात्मक सोच के साथ बार बार इस बात को कह रहे थे कि साहब अगर ऐसे चलेगा तो टीकाकरण में 5 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, और लोगों ने बहुत निगेटिविटी नकारात्मकता फैलाई टीकों के आने के बाद, किसी ने कह दिया ये तो फलाने का पार्टी का टीका है हम नहीं लगवाएंगे, और इस तरह से लोगों ने इसकी आलोचना की कि साहब बाहर क्यों टीके भेजे भारत सरकार ने, लेकिन अब जब हम आज 200 करोड़ के पास पहुंचने वाले हैं तो सबके, मैं समझता हूं सबको इसका उत्तर मिल गया है कि भारत की जो पॉलिसी रही और जो भी इसमें भारत सरकार का योगदान बहुत सराहनीय रहा, हमारे ICMR का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, और इसके अलावा राज्य सरकारों का योगदान बहुत रहा, सहयोग बहुत रहा, और सभी ने इसमें कंधे से कंधा मिलाकर टीकाकरण अभियान में भाग लिया, और आज उसी का ये परिणाम है कि हम लोग इतनी अच्छी परिस्थिति में पहुंचे हैं जी। हमारी स्थिति इतनी सुदृढ़ है महामारी के संदर्भ में, जो किसी भी देश से, विकसित देशों से भी हमारी कई मामलों में स्थिति बहुत बेहतर है जी। बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर मिश्रा आपका अगर हम देखें तो बहुत लंबा अनुभव चिकित्सा के क्षेत्र में रहा है, आपने पूरी दुनिया में आप घूमे हैं, आपने देखा है, आप एम्स के निदेशक रह चुके हैं, और जैसे सर्जरी आपका एक स्पेशलाइजेशन रहा है, और सर्जरी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी प्लान सर्जरी ड्यू थी लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं करा सके, कई बार जैसे आंखों का ऑपरेशन होता है, स्टोन की प्रॉब्लम है, या इस तरह की जो आम सर्जरीज होती हैं कई बार डिले हो गई हैं वो, तो क्या ये उपयुक्त समय है जब लोग हॉस्पिटल जाकर अपनी सर्जरीज करा सकते हैं? बिल्कुल
बिल्कुल, इसमें आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न उठाया है कि दो वर्षों में जो इलेक्टिव ऑपरेशंस, चाहे वो बेनाइन कंडीशंस के हो, जैसे हर्निया है, गॉल ब्लैडर है, पथरी के हैं और दूसरी तरह के, और चाहे कैंसर की बात हो या हार्ट के ऑपरेशंस की बात हो, तो सभी में एक धक्का सा लगा, क्योंकि हर अस्पताल को कोविड केयर हॉस्पिटल बना दिया गया था। हमारे प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हों, निजी क्षेत्र के, चाहे हमारे पब्लिक सेक्टर के सरकारी संस्थान हों, सभी कोविड महामारी से जूझने में लगे हुए थे, और जितने भी आईसीयू बेड और बेड जो भी उपलब्धता थी वो कोविड के रोगियों के लिए सुनिश्चित की गई थी। तो इस कारण से, अच्छा, लोग इस वजह से भी नहीं आते थे कि संक्रमण हो जाएगा। अच्छा, डॉक्टर्स भी थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रहे थे कि भाई कहीं संक्रमण ना हो जाए अगर हम पेशेंट्स का ज्यादा उपचार करेंगे। तो ये बहुत सारी बातें रहीं जिस वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन अब आई थिंक पूरा, जैसे आपने कहा अपने शुरुआती रिमार्क्स में, कि हमारी इकोनॉमी भी ओपन अप हो गई है, स्कूल कॉलेजेस सब खुल गए हैं, और इसके अलावा हम लोगों की दिनचर्या अपने पुराने उस पर लौट रही है। ऑफ कोर्स बचाव के उपायों के साथ साथ ये हो रहा है सब कुछ। जैसे मैंने कहा कि अभी भी हम मास्क लगा के ही घर से निकलते हैं, गाड़ी में मैं और मेरा ड्राइवर होते हैं, फिर भी हम मास्क लगा के रखते हैं, अस्पताल में भी मास्क लगा के रखते हैं, और कहीं भी जाते हैं तो मास्क लगा के रखते हैं। दूरी जितनी बना सकते हैं बना के रखें, और अपना जो प्रोटेक्शन डोज, जिन लोगों ने दोनों टीकों की डोज ले ली है वो प्रोटेक्शन डोज ले लें, और जिन्होंने टीका अभी नहीं शुरू किया है वो टीका शुरू कर दें लगवाना, और दोनों डोज टीकों की लगवाएं। तो मैं समझता हूं कि आगे भी हमारी स्थिति इसी प्रकार से अच्छी रहेगी, और लोगों को जो रोग हैं उसका इलाज कराने में जो दिक्कत का सामना करना पड़ा वो नहीं करना पड़ेगा, और हमारी पूरे जो हेल्थ केयर सेक्टर की, स्वास्थ्य क्षेत्र की जितनी भी वर्किंग है, फंक्शनिंग है, वो फिर से सुचारू रूप से अपनी पटरी पर लौट आएगी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर एम सी मिश्रा। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342174 पर कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और आज के हमारे पहले कॉलर हैं दिल्ली से अशोक सिंह जी ने हमें कॉल किया है। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार साहब, आपको भी और डॉक्टर साहब को भी। मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल है मेरा सवाल है कि मैंने पिछले छह तारीख को मैंने कोवैक्सीन लगाया था, कोवैक्सीन वैक्सीन तीसरा वैक्सीन था मेरा, ये तीसरा डोज था मैंने लगा दिया। जी, जी, जी। तब से मुझे बहुत जोर की पसीना आता है। दूसरी बात ये है कि हमने एक स्वास्थ्य कार्ड बनाया जिसमें भारत डिजिटल मिशन के तहत कार्ड बनाया, उससे डॉक्टर से संपर्क कैसे करें सर? उसका मतलब कैसे, हमें नेट चलाना आता नहीं तो क्या करें सर? जी डॉक्टर मिश्रा, पहला सवाल जो इनका है वो लेते हैं कि इन्होंने प्रिकॉशनरी डोज लगवाई है थर्ड डोज, लेकिन उसके बाद से कहते हैं कि इनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है जिस तरह से, तो क्या ये इस कारण हो सकती है? ऐसा मुझे नहीं लगता संभव है, क्योंकि अब इस समय गर्मी भी बहुत हो गई है सिद्धार्थ जी, और अशोक जी से मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको यदि कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और ऐसा लगता है कि ये टीके की वजह से हो सकता है आपको, तो आप अवश्य जहां टीकाकरण करवाया है वहां पे जाके चिकित्सक से परामर्श कर सकते हैं, या किसी भी और दूसरे अस्पताल में जाके परामर्श, किसी भी जो फिजिशियन होते हैं हमारे स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, उनसे जाके परामर्श कर सकते हैं, तो आपको इस विषय में उपयुक्त सलाह मिल जाएगी, और इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना जो भी आपका दिन की डेली जो प्रक्रिया है उसको आप करें, जिसमें आपका संतुलित आहार आ जाता है, आपका थोड़ा सा व्यायाम आ जाता है,
और उसके अलावा आपका जैसे योग अगर करते हैं तो वो भी करें। तो मैं समझता हूं कि ये एक महीना हो गया है इनको जी। तो एक महीने तक इस तरह से चलता नहीं है और थोड़ा गर्मी और ह्यूमिडिटी भी बढ़ी है जी। तो पसीना बाहर चलने में अवश्य आता है, लेकिन अगर इनको ऐसा लग रहा है ये टीके की वजह से हो सकता है तो ये बिल्कुल परामर्श करें चिकित्सक से जाकर के, तो इनको उपयुक्त सलाह मिल जाएगी। वैसे मैं कहूंगा कोई चिंता की बात नहीं है, अपना आजकल गर्मी भी बहुत हो रही है, इसलिए पानी शरीर में पानी की कमी ना होने दें, अपने साथ जहां भी जाएं पानी की बोतल ले जाएं, शिकंजी जो हम नींबू और वो नमक की शिकंजी, थोड़ी सी अगर डायबिटीज नहीं है तो चीनी की शिकंजी, इसका सबका प्रयोग करें जी। डॉक्टर मिश्रा, ये आपने जो बात उठाई है कि इस समय जैसे हम देखते हैं कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने भी अपनी एडवाइजरी जारी की है स्टेट सेक्रेटरीज को, और जिस तरह की हीट वेव्स इस समय नॉर्दर्न इंडिया में चल रही है, तापमान बहुत ज्यादा है, लोग गर्मी से परेशान हैं, तो ऐसे में लू लगना या हीट स्ट्रोक का हो जाना एक बड़ी आम सी बात है। तो किस जैसा कि आपने कहा कि कुछ कारण ये बताए, लेकिन अगर किसी को ऐसा हो जाता है हीट स्ट्रोक या लू लग जाती है तो उसे क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, हीट स्ट्रोक का बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है जो हम कोविड के लिए कहते हैं जी। क्योंकि हीट स्ट्रोक क्यों होता है, आपको अत्यधिक एक्सपोजर टू सन, धूप में अत्यधिक अगर आपका होता है एक्सपोजर तो उससे हीट स्ट्रोक होता है। और हीट स्ट्रोक में होता क्या है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है जी, और जो शरीर का तापमान व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है वो एकदम से गड़बड़ हो जाती है, तो उसकी वजह से शरीर तापमान को नीचे नहीं ला पाता है। और जो हाई फीवर जिसको कहते हैं 104 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान शरीर का हो जाता है, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उस तापमान को अधिक देर तक शरीर को उस तापमान पर न रहने दें। और खासतौर से बुजुर्गों का और बच्चों का, बहुत छोटे बच्चे जो ये तापमान में जो बढ़ोतरी होती है इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए एक तो उनको पानी की जो डिहाइड्रेशन हुआ है उसको ठीक करना है जी। तो जैसे मैंने अभी कहा, शिकंजी से घर में पानी खूब दें, जूसेस दें और उससे नारियल पानी दें, उससे पानी की कमी पूरी होगी। यदि फिर भी नहीं संभल रहा है, जैसे बच्चा छोटा है तो उसको गीली चादर में लपेट के पंखा चला दें जोर से जी, तो तापमान नीचे आ जाएगा। बड़ों को भी इसी तरह से आइस पैक भी रख सकते हैं हीट स्ट्रोक में, जो हमारे बगल में है, गर्दन पे है या पेट और जांघ जहां मिलते हैं वहां पे बर्फ रख सकते हैं, जिससे जो हमारा बॉडी का कोर टेम्परेचर है वो शीघ्र नीचे आ जाए, जिससे उसके जो दुष्प्रभाव है हाई टेम्परेचर के शरीर में वो ऑर्गन डैमेज करते हैं, ब्रेन का भी असर पड़ता है, कई बार ब्रेन का मिर्गी जैसा दौरा पड़ जाता है हीट स्ट्रोक में, हार्ट पे भी असर पड़ता है, क्योंकि शरीर का तापमान अगर बहुत देर तक ऊपर रहेगा तो वो शरीर के बाकी अंगों को जरूर इसमें वो करेगा, दिक्कत देगा जी बिल्कुल। तो इसका आसान बचाव भी आसान है, धूप में चलें, छाता ले जाएं, आजकल इतना 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है, या छाया में चलें, पेड़ों की छाया मिले तो उसमें चलें, और कोशिश ये करें कि 11 से लेके 4 बजे तक धूप में अधिक ज्यादा समय न बिताएं, तो उससे बचाव बना रहेगा। अगर फिर भी हो ही जाता है, घर से जब भी निकले पानी पी के निकले, और कहीं भी जाए तो पानी की व्यवस्था पूरी अपने साथ रखें, तो मैं समझता हूँ बचाव भी रहेगा। अगर हो ही जाता है तो उसका उपचार भी बहुत सिंपल है, साधारण है, कि आपको तापमान नीचे लाना है, ठंडे पानी की पट्टियां रख के, बर्फ रख के शरीर पे, और यदि उससे भी नहीं बात बन रही है तो अस्पताल ले जाके वो इंट्रावीनस फ्लूइड हम लोग जो चढ़ा देते हैं, तो कम से कम उससे इमीडिएट आपको पानी की कमी दूर होगी शरीर की, और फिर अस्पताल में भी वही स्पंजिंग तो अस्पताल में भी करनी पड़ेगी, कोल्ड स्पंजिंग जी जी।
बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि हमारे जो लिसनर्स सुन रहे हैं और इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उन्हें निश्चित तौर पर एक गाइडेंस मिलेगी और वो उससे बच सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि बचाव ही इसका इलाज है, तो आप इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप इससे बचे रहेंगे। और इस बीच गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, आइए उनकी कॉल लेते हैं। सुभाष जी नमस्कार। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं सुभाष गुरुग्राम से बोल रहा हूँ। जी बताएं। सर, सरकार की अच्छी गाइडलाइन और आपके सही दिशा निर्देश और मतलब सही मार्गदर्शन अच्छी ज्ञान के लिए आज देश में कोरोना से बचने की जो प्रक्रिया है जी सही दिशा में जा रही है सर, और ऐसे ही चलती रहे तो मतलब सही दिशा में भारत रहेगा, अच्छी स्वस्थ जी जी। सर मैं जानना चाहता हूँ सर, इस गर्मी के मौसम में अभी मान लीजिए सर सर्दी खाली इन्फ्लुएंजा हो गया मान लीजिए, तो उसको कोरोना समझा जाए या मतलब एक साधारण इन्फ्लुएंजा समझा जाए सर? धन्यवाद, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, इन्होंने गर्मी में इन्फ्लुएंजा की बात की है। डॉक्टर मिश्रा, हमारे श्रोता जो हैं वो हमें सुधीर लिख रहे हैं कि इनको पहले फीवर हुआ और इसके बाद इनकी वाइफ और इनके बच्चे को भी फीवर आ गया है 99, तो क्या इन्हें कोविड की जांच करानी चाहिए या नॉर्मल गर्मी और सर्दी की वजह से फीवर आ गया है? देखिए, इसको कोविड ही माने जी फीवर को, और आजकल जो ओमिक्रॉन या जो भी वेरिएंट हो रहा है संक्रमण, वो बहुत माइल्ड वैरायटी का हो रहा है जी। और दो तीन दिन चार दिन में बुखार भी ठीक हो जाता है और बाकी स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। तो यदि इनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है और जांच नहीं भी कराना चाहें तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोविड मान लें इसको जी। और उसी प्रकार से इस पर अपना हाइड्रेशन ठीक रखें, बुखार ज्यादा है तो अभी जैसे हमने बात की कि अगर बहुत ज्यादा बुखार है 102 103 है तो स्पंजिंग करनी पड़ेगी, ठंडे पानी की पट्टी रख के सिर पे पैरों पे शरीर पे पंखा चला के बुखार को नीचे लाना पड़ेगा, और उसके लिए पैरासिटामोल की गोली और अपना तरल पदार्थ, इसमें जैसे मैंने बताया कि आजकल देखिए खरबूजा तरबूज इनमें पानी होता है जी, तो ये फल बहुत मौसम के हिसाब से ही है ये फल, और इनका सेवन करें, नारियल पानी का सेवन करें, सादा पानी का सेवन करें, शिकंजी बना लें अपने, लस्सी पी लें, तो ये सब करेंगे तो अपना उनका हाइड्रेशन की कमी, शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और बुखार भी ठीक रहेगा और जल्दी इनको ठीक भी हो जाएंगे। तो इसलिए आज के परिवेश में मैं यही कहूंगा कि कोई भी बुखार आ रहा है तो उसको कोविड मान लें। कोविड में ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रही है आजकल, सब लोग दो तीन दिन चार दिन में ठीक हो जा रहे हैं, और जिस तरह से बता रहे हैं पूरे घर में सभी को हो गया है तो ये कोविड बिल्कुल हो सकता है। जी बिल्कुल। और इस बीच बड़ौस से हमारे रेगुलर लिसनर महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, आइए जानते हैं आज वो क्या सवाल करने वाले हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी महेश जी बताइए। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ जी। नमस्कार नमस्कार। और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे एक मित्र है जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, अभी बताओ इस टाइम उनका ऑपरेशन हो सकता है या नहीं, बताने की कृपा करें जी। किस चीज का ऑपरेशन कराना है महेश जी? आँखा जी। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर मिश्रा हम लोग पहले भी इस बात को कर रहे थे और महेश जी ने भी यही सवाल उठाया है, क्या बिल्कुल कहेंगे? करा सकते हैं महेश जी, बिल्कुल करा लें, अब कोई डर की बात नहीं है, और अभी तो संक्रमण बहुत हमारा नियंत्रण में है, कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल ऑपरेशन करा लीजिए आप जी। और डॉक्टर मिश्रा, इस समय देश में जो प्रिकॉशनरी डोज की अगर हम बात करें तो जिन भी लोगों का जो समय पूरा हो चुका है वो उसे लगवा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपने जो संदेश दिया है, जो लोगों से आह्वान किया है, तो उसके बाद और भी लोग जो इसके ब्रैकेट में आते हैं या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको पूरा करते हैं तो वो लगवाएंगे। इस पर बात करने से पहले धर्मवीर जी जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनकी कॉल ले लेते हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार। जी धर्मवीर जी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ।
डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार धर्मवीर जी। डॉक्टर साहब मुझे कुछ जागरूकता के लिए कुछ आपसे एक दो सवाल पूछने हैं। जैसे कि हमारे को दिल्ली का, हम जो रहते हैं दिल्ली का मौसम अपना नहीं होता, राजस्थान से गर्मी मिलती है, शिमला से हिमाचल से हमारे को ठंड की शीतलहर आती है जी। इस समय इतना बारूद बरस रहा है यूक्रेन में, क्या वो गर्मी हमारे देश तक पहुंच गई है? जैसे दिल्ली में 50 टेम्परेचर कभी तक नहीं सुना था, इतने साल हम उम्र है हमारी तो इससे पहले कभी ऐसा नहीं सुनने में आया था। और मेरा ये सवाल है कि अगर शुगर पेशेंट है, शुगर पेशेंट को अगर आप कहते हैं गर्मी में शिकंजी पीने की इच्छा हो तो वो नींबू के साथ चीनी तो डाल नहीं सकता, तो चीनी के बगैर शिकंजी का स्वाद नहीं आता डॉक्टर साहब। इसके लिए जैसे कि बहुत गर्मी है तो शिकंजी ही सबसे अच्छा रास्ते में कभी भी हम ले सकते हैं। बिल्कुल, पहले दूसरे प्रश्न का मैं पहले आपको उत्तर दे दूं कि जिन लोगों को डायबिटीज है तो वो प्योर शुगर वाली शिकंजी ना पी के वो नमक वाली शिकंजी पी सकते हैं। हम लोग बहुत बार अपनी मर्जी से नमकीन जो फ्रेश लाइम्स हम लोग लेते हैं पानी में जी, तो नमक की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि यदि किसी को डायबिटीज है तो वो फल खा सकते हैं मीठा, जैसे खरबूजा है वो मीठा है तो भी खा सकते हैं जी, तरबूज में भी काफी मीठा होता है वो खा सकते हैं, उसमें भी पानी बहुत होता है, नारियल पानी पी सकते हैं और शिकंजी भी पी सकते हैं। बहुत ज्यादा चीनी ना डालें, थोड़ी सी चीनी डाल के अपना जितना रोज का उनका कोटा है उस हिसाब से लें, तो क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि ब्लड शुगर उनका बढ़े जी। तो बिल्कुल ले सकते हैं, वो लस्सी पी सकते हैं, नमकीन लस्सी पी सकते हैं। और इसके अलावा आपने पूछा कि यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें जो इतना बारूद का इस्तेमाल हो रहा है, क्या उसकी वजह से पर्यावरण में कोई बदलाव आया है या आने की संभावना है? तो ये देखिए, ओवरऑल तो दुनिया में क्लाइमेट चेंज की जब हम बात कहते हैं तो बिल्कुल पूरी दुनिया में ही जो कुछ होता है उसका असर पड़ता है हमारे पर्यावरण पे जी। तो इसका भी कुछ ना कुछ असर तो हो रहा होगा। अब भारत पे उसका कितना असर इतना दूर से है ये कहना मेरे लिए संभव नहीं होगा जी। लेकिन हमारे यहाँ अपने यहाँ भी धर्मवीर जी जिस प्रकार से जंगलों की कटाई हुई है और जो हमारे पेड़ पौधों का रखरखाव होना चाहिए जितना उतना नहीं हुआ है, तो इस वजह से भी गर्मी अधिक जी बहुत। और डॉक्टर मिश्रा, आज तो गर्मी ने जो पुराने रिकॉर्ड्स थे उन सबको तोड़ दिया है और तापमान 49 डिग्री के पार पहुंच गया है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में आपने कभी ये बिल्कुल सही कहा धर्मवीर जी ने कि ये कल्पना करना मुश्किल है कि 49 डिग्री के पार पारा पहुंच जाए। अगर कुछ एरियाज में आज 49.2, कहीं पे 49.1, तो अलग अलग क्षेत्रों में इतना ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और अभी मौसम विभाग ने अभी इससे तुरंत जो है राहत मिलने के आसार दिख नहीं रहे हैं। तो जी, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपने की चीजें हमें बताई हैं कि किस तरीके से हमें स्वस्थ रहना है, किस तरीके से हमको इसका मुकाबला करना है और हाइड्रेशन को अपना पूरा रखना है। तो आपने बहुत सारी जानकारी दी और आप इस कार्यक्रम से जुड़े, डॉक्टर मिश्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और बहुत सारे लिसनर्स अभी भी हमारे साथ आपसे सवाल कर रहे हैं लेकिन समय की कमी है, अब हम उनके और सवाल नहीं दे पाएंगे, हम कल के कार्यक्रम में वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर मिश्रा ने आपको कोरोना और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभरात्रि। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉ एमसी मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।